Hello, students. Today we will be starting chapter 13th, that is Organisms and Population, of the last unit which is left. The name of the unit is Ecology. In Ecology, we are having total four chapters, but two chapters they have been deleted by the board. So we are left with two chapters only. The first chapter is Organisms and Population, and the second chapter is Biodiversity and Conservation. Today we are starting chapter 13th that is organisms and population and in this chapter today we will be doing the first topic that is levels of organization and very important topic habitat and niche. Now students what is meant by the term ecology? Ecology ko understand karne se pehle we must know the meaning of the environment. एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग सपोज दिस इज़ एन इंडिविजुअल तो इस इंडिविजुअल की जो सराउंडिंग्स हैं इसको हम क्या कहते हैं एन्वायरमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे एनवायरमेंट में हमारे सराउंडिंग्स में कई नॉन लिविंग फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं और कई लिविंग फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं वी आर सराउंडेड बाई अ नंबर ऑफ प्लांट्स वी आर सराउंडेड बाई अ नंबर ऑफ एनिमल्स वी आर सराउंडेड बाई अ नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स तो ये सारी चीज़ें क्या हैं दीज आर दी बायोटिक फैक्टर्स बट वी ऑल्सो नीड फॉर आवर सर्वाइवल और वी आर ऑल्सो सराउंडड बाई एयर वॉटर लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल ये भी चीजें हमें इंफ्लुएंस करती हैं वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स तो ये जो सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स दीज आर दायोटिक फैक्टर्स तो एन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं बायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं ए बायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं ना वट इज़ इकोलॉजी इकोलॉजी जो है स्टूडेंट्स दैट इज द ब्रांच ऑफ बायलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट हमारी किस तरीके से इंटरेक्शन है हमारे एनवायरमेंट के साथ हमारी किस तरीके से इंटरेक्शन है विद द वेरियस बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स उस चीज़ को स्टडी करना दैट इज़ इंक्लूडेड इन इकोलॉजी So, it is the science that seeks to describe and explain the relationship between the living organisms and their environment. Now, next. इकॉलॉजी जो है दैट इज डिस्क्राइबिंग सो इकॉलॉजी क्या कर रही है इकोलॉजी दैट इज डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द वेरियस ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स तो इन रिलेशनशिप को स्टडी करना दैट इज इंक्लूडेड इन इकोलॉजी इकोलॉजी वर्ड जो है इट हैज़ कम फ्राम ग्रीक वर्ड्स

आई हैव टोल्ड यू दैट हमारे एनवायरमेंट में ए बायोटिक फैक्टर्स भी हैं बायोटिक फैक्टर्स भी हैं तो इकोलॉजी किस चीज़ को स्टडी कर रही है इकोलॉजी स्टडी करती है वेरियस ए बायोटिक फैक्टर्स को जो कि नॉन लिविंग कम्पोनेंट हैं एन्वायरमेंट के एंड दे आर दोज इनर्ट फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम इसमें लाइट आ गया टेम्परेचर आ गया केमिकल प्रोडक्ट्स आ गए वाटर एटमोसफियर एयर सो दीज आर इंक्लूडेड इन दी ए बायोटिक फैक्टर्स दूसरे क्या हैं स्टूडेंट्स बायोटिक फैक्टर्स हैं बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए इसमें सारे के सारे प्लांट्स आ गए एनिमल्स आ गए और तीसरी चीज़ क्या है डीकम्पोज जिसमें बैक्टीरिया फनजाई इंक्लूडेड हैं जो कि डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज करते हैं जो कि साइकिल जो वेरियस साइकल्स हैं उनको मेन करके रखा हुआ है डी ने दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर एनवायरमेंट नाउ स्टूडेंट्स सो नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंट के जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं लाइट वाटर विंड न्यूट्रियट प्रेजेंट इन दॉय हीट सोलर रेडिएशंस, एटमोसफियर और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट्स आ गए एनिमल्स आ गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए विच आर प्रेजेंट इन दी सॉयल जो कि डीकम्पोजिंग का काम कर रहे हैं

Word ecology. Next वॉट आर दी वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स हमें हमने अपने प्लस वन क्लास में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है एक होती है लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की एक हायर लेवल है जो लोअर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की उसको हम बायोलॉजिकल हायर भी कहते हैं अब हायर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स हायर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक ऑर्डर में अरेंज करना या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बायोलॉजिकल जो हायरकी है वो लोअर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का और वो हम हमने अपने प्लस वन क्लास में स्टडी किया है वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है सेल से हमें पता है सेल्स ने कलेक्ट होके टिश्यूज़ बनाए हैं टिश्यूज़ ने कलेक्ट होके ऑर्गन्स बनाए हैं ऑर्गन्स ने कलेक्ट होके ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हैं और ये ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं दे हैव फॉर्म्ड अ कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म सो ये बायोलॉजिकल हायरकी है दिस इज़ दी लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टार्ट हुआ सेल से कम्प्लीट ट हुआ टू ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है इकोलॉजिकल हायर जो इकोलॉजिकल हायर है स्टूडेंट्स वो स्टार्ट होगी ऑर्गेनिज्म से एंड इट विल एंड इन टू दायोस्फिर सो इकोलॉजिकल हायर में जो है इसमें दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल एंड इन दिस द लोअर लेवल दैट इज दर्गेनिज्म और इट इज इंडिविजुअल So, आज हम ये जो इकोलॉजिकल हायर है इसके अलग अलग लेवल्स को इंडिविजुअली जो है वो स्टडी करेंगे नाउ So, सबसे जो लोअर लेवल है इकोलॉजिकल हायरार्की का वो क्या है दैट इज द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिज्म नाउ इंडिविजुअल जो है वो क्या है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स ठीक है सो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटरब्रीडिंग एमोंग दैम सेल्वस एंड विच आर प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स दे आर नोन एज वॉट इंडिविजुअल अब इंडिविजुअल जो है स्टूडेंट्स अगर हम उसके बाकी कैरेक्टर्स uh, को स्टडी करें तो इंडिविजुअल जो है इट कैन बी स्मॉल यूनीलुलर इट कैन बी वेरी लार्ज मल्टी सेलूलर ऑल्सो इंडिविजुअल सारे जो कंपोनेंट्स हैं सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज है इंटू अ फंक्शनल होल इंडिविजुअल जो है वो ग्रोइंग है सेल्फ रेगुलेटिंग है सेल्फ रिपेयरिंग है सेल्फ परपिचुएटिंग एंटाइटी है ठीक है ऑफन कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस मूवमेंट्स ऑल्सो इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक स्ट्रक्चर है इंडिविजुअल कभी भी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में नहीं रह सकता एक इंडिविजुअल कभी भी स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकता वाई बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट वी वी कैनॉट लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन वी हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन वी हैव अ फिक्स वेल ऑर्गेनाइज लाइफ साइकिल एंड वी ऑल एराइज फ्राम दी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स और हम बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टेड हैं एडाप्टेड हैं विद अवर एनवायरमेंट तो सबसे पहला लेवल जो इकोलॉजिकल हेरारकी का है दैट इज़ दी इंडिविजुअल और दी ऑर्गेनिज्म अब अगर हम इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कर दें ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ठीक है तो वो आ, आ जाएगा नेक्स्ट लेवल हायरार्की का दैट इज़ पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज दैट लिव इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया पर यूनिट टाइम स्टूडेंट इसमें टाइम को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो सिंपल टर्म्स में अगर इसको बताऊं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ नोन एज व्हाट पॉपुलेशन टाइम को मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करती हूँ कि ह्यूमन पॉपुलेशन 1947 में कितनी थी और ह्यूमन पॉपुलेशन आज कितनी है तो जोग्राफिकल एरिया तो उतना ही है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया तो सेम है बट अगर हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें 1947 की पॉपुलेशन को कंपेयर करें विद 2020 तो आज पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है इट मींस पॉपुलेशन जो है दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम आल्सो सो व्हाट इज पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ कॉमन स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज नोन एज व्हाट पॉपुलेशन ठीक है सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दे आर इंटरब्रीडिंग एंड दे आर लिविंग इन द सेम एरिया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कलेक्टिवली इंटरैक्ट टू गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स एंड इवेंचुअली डाई सो दैट इज नोन एज व्हाट पॉपुलेशन अब अगर अगर स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन को भी देखें पॉपुलेशन एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का तो ये जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का स्टूडेंट्स ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता हम कई बार ये देखते हैं कि पॉपुलेशन में ये जो इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स हैं इन्होंने भी आगे ना सब ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं जैसे ये कुछ इंडिविजुअल्स यहां पर कलेक्टेड हैं कुछ इंडिविजुअल्स यहां पर कलेक्टेड हैं कुछ नहीं यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है तो पॉपुलेशन के भी आगे सब ग्रुप्स होते हैं तो जो सब ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के उनको हम क्या कहते हैं डीम कहते हैं जैसे हमारे स्कूल में लगभग पच्चीस के करीब बच्चा है बट ये पच्चीस का जो ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी ना है हमने बच्चों को कहाँ बैठा के रखा है क्लास में बैठा के रखा हुआ है तो क्लास में बच्चों ने अपने क्या बनाए हुए हैं ग्रुप्स बनाए हुए हैं अलग अलग क्लासेस हैं अलग अलग सेक्शंस हैं तो ये जो सब ग्रुप्स हैं पॉपुलेशंस के इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स डीम्स कहते हैं दिस आर नोन एज वॉट डीप्स अब जो स्टूडेंट्स uh, ये जो लोकल पॉपुलेशंस होती हैं ये बहुत अच्छी तरीके से एडजस्टेड होती हैं विद आवर एनवायरमेंट ठीक है लोकल पॉपुलेशन जो हैं दे आर वेल एडजस्टेड टू देयर एनवायरमेंट तो इनको हम इकोटाइप्स टाइप्स भी कहते हैं सो वेन लोकल पॉपुलेशन दे आर वेल एडजस्टेड टू देयर एनवायरमेंट दैट इज नोन एज वॉट इको टाइप्स सो ये नेक्स्ट लेवल हो गया इकोलॉजिकल हायर का पॉपुलेशन नाउ थर्ड जो है दैट इज़ दी कम्युनिटी अब अगर हम देखें तो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स थोड़ी ना हैं इस दुनिया में इस दुनिया में कितनी सारी स्पीशीज जो हैं दे आर प्रेजेंट दे आर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज विच आर प्रेजेंट तो अगर हम सारी की सारी जो पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को कलेक्ट कर लें सो दैट बिकम्स अ कम्युनिटी सो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज अक्रिंग इन वन प्लेस और इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मे इंटरैक्ट विद ईच अदर सो दे विल फॉर्म व्हाट कम्युनिटी सो पॉपुलेशन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज अगर हम डिफरेंट पॉपुलेशन जैसे ये अब हम अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी सारी स्पीशीज हैं तो अगर हम सारी स्पीशीज की पॉपुलेशन को किसी को एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज नहीं है वहाँ पे हमें अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन्स मिल जाएंगी तो अगर हम इन सभी स्पीशीज की पॉपुलेश को कलेक्ट कर लें तो दैट बिकम्स अ कम्युनिटी कम्युनिटी जो है इसमें इसमें इसको students, हम बायोटिक बायोटिक वर्ड यूज करते हैं बिकॉज हमने लिविंग फैक्टर्स को इकट्ठा किया है तो कम्युनिटी में स्टूडेंट्स कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उसकी अगर हम सारी की सारी जो स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशंस को कलेक्ट कर लें तो उसमें प्लांट्स भी इंक्लूडेड होंगे उसमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड होंगे और उसमें माइक्रोब्स भी इंक्लूडेड होंगे तो देखो तीन टाइप्स की कम्युनिटी बन गई प्लांट कम्युनिटी

नाउ जो नेक्स्ट लेवल है इकोलॉजिकल हायरार्की का दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सिस्टम इको सिस्टम एक डायनामिक कॉम्प्लेक्स है प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्योंकि ये तो कम्युनिटी है अब देखो एक जो कम्युनिटी है प्लांट्स है एनिमल्स हैं माइक्रोब्स हैं वो आपस में तो इंटरैक्ट कर रहे हैं ठीक है प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स दे आर इंटरैक्टिंग विद वन अनादर बट दे आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद द ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट हम ए बायोटिक फैक्टर्स के बगैर नहीं रह सकते हम आपस में तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं लाइक वी एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन द वेरियस ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर टेम्परेचर लाइट एक्सेट्राउट तो अगर हम ए जो बायोटिक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स उस बायोटिक कम्युनिटी के साथ जिसमें सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसमें ए बायोटिक फैक्टर्स को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट वो बन जाएगा ईको सिस्टम दैट विल बिकम ईको सिस्टम तो ईको सिस्टम एक डायनामिक कॉम्प्लेक्स है ईको सिस्टम जो है वो एक सेल्फ़ परपेचुएटिंग यूनिट है सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है क्योंकि उसमें एनवायरमेंट के हर एक कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर लिया वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता ओके स्टूडेंट्स सो एवरी एलिमेंट ऑफ द एनवायरमेंट हैव देयर ओन इको सिस्टम अ डायनेमिको सिस्टम द बैलेंस ऑफ द नेचर तो नेचर होने के कारण बिकॉज इसमें हमने सभी कंपोनेंट्स जो है एनवायरमेंट के एड ऑन कर लिए हैं बायोटिक फैक्टर्स भी हैं ए बायोटिक फैक्टर्स भी हैं तो इट बिकम्स अट इट ब्रिंग्स बैलेंस टू द नेचर अब स्टूडेंट्स जो इको सिस्टम है इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी आर्टिफिशियल ऑल्सो जैसे एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल इको का लें तो फॉरेस्ट आ गया ठीक है पॉन्ड आ गया ओशंस आ गए दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इको अगर हम आर्टिफिशियल इको का एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इको में एग्जाम्पल आ गया फ्लावर पॉट का ठीक है अब हमने फ्लावर पॉट में कोई प्लांट है तो उसमें देखो प्लांट कम्युनिटी आ गई छोटे छोटे जो सॉयल है सॉयल के अंदर हमें छोटे छोटे माइक्रोब्स भी मिल जाएंगे हमें कुछ एनिमल्स भी उसके ऊपर चलते मिल जाएंगे ये प्लांट्स जो हैं ये लाइट पे डिपेंडेंट हैं हम पानी डाल रहे हैं हम न्यूट्रीएट्स डाल रहे हैं तो इस फ्लावर पॉट में देखो सारे फैक्टर्स आ गए बायोटिक फैक्टर्स भी आ गए ए फैक्टर्स भी आ गए तो फ्लार पॉट जो है वो एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने घर में एक्वेरियम रखा होता है तो एक्वेरियम में हमने प्लांट्स भी एनिमल्स भी रखे हैं पानी हम उसको ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन भी दे रहे हैं फिशेस को तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दी आर्टिफिशियल इको सिस्टम तो नेचुरल इको सिस्टम में एग्जाम्पल आ गया फॉरेस्ट का पॉन्ड्स का ठीक है डेजर्ट uh, एरियाज हो गए लेक्स हो गए है ना ओशनस हो गए दीज आर ऑफ नेचुरल इको सिस्टम और आर्टिफिशियल में एग्जाम्पल आ गया फ्लावर पॉट और एक्वेरियम नेक्स्ट स्टूडेंट जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज दी लैंडस्केप कहते हैं लैंडस्केप जो है वो ग्रुप ऑफ इको का है दैट मे और मे नॉट इंटरैक्ट कई बार हम कोई एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया दे, देते हैं जहाँ पे हमें थोड़े से फॉरेस्ट एरियाज भी मिल जाएंगे थोड़ा सा हमें डेजर्ट एरिया भी मिल जाएगा थोड़ा सा हमें ग्रास भी मिल जाएगा तो ये ग्रुप है इको का कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि ग्रुप्स होते हैं इको के जो आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते या करते भी हैं नहीं भी करते दे, दे मे और मे नॉट इंटरैक्ट सो दैट बिकम्स अ लैंडस्केप और उसके बाद जो नेक्स्ट है बहुत लार्ज जो इकोसिस्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं बायोम तो नेक्स्ट लेवल जो इकोलॉजिकल हायरार्की का है वो बायोम है और हर एक बायोम जो है वो आइडेंटिफाई होता है अपनी क्लाइमेक्स कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है जो कम्युनिटी लास्ट में इवॉल्व करेगी उस पर्टिकुलर रीजन में दैट इज़ दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो किसी भी बायोम की हम आइडेंटिफिकेशन उसकी लास्ट कम्युनिटी के आधार पर करते हैं और Uh, जो बाउंड्री है बायोम्स की स्टूडेंट्स उसको कौन डिटरमाइन करता है उसको ऑल्टीट्यूड और लैटीच्यूड अब लैटीच्यूड हमें पता है लेटीच्यूड का मतलब क्या है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वेजिटेशन जो है उस पर अफेक्ट हो रहा है तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना दिस इज़ नोन एज लेटीच्यूड और ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी लेवल से ऊपर की तरफ जाना जैसे हम जब माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं स्टूडेंट्स पहाड़ी इलाकों में जाते हैं शिमला जाएंगे या इस आ, मनाली जाएंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर घटता है वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो इसको हम कहते हैं हायर लेवल्स पे जाना हाई अप टू दी माउंटेनियस एरियाज जाना दैट इज़ नोन एज वॉट ऑल्टीट्यूड तो ऑल्टीट्यूड और लैटीच्यूड दोनों ही बायोम्स को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं और बायोम की जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे रेनफॉल पे तो टेम्परेचर और रेन फॉल जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ द मेजर बायोम्स और इन मेजर बायोम्स को स्टूडेंट्स तुमने अपनी लोअर क्लासेस में ज़रूर स्टडी किया होगा वॉट आर दी वेरियस बायोम्स तो वेरियस बायोम्स कौन से हैं स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं टेम्परेट फॉरेस्ट है कोनीफरेज फॉरेस्ट है, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा है कहीं पे डेजर्ट एरियाज हैं कहीं पे हमें ग्रास लैंडस मिल जाएंगे ठीक है आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स इनको और क्लियरली देखो स्टूडेंट समझाया गया है आर दी नाइन टाइप्स ऑफ बायोम्स टुंडरा नॉर्दर्न कोनीफरेस फॉरेस्ट टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर वेजिटेशन सबसे ज़्यादा है बायोडिवर्सिटी सबसे हाई है मेडिटेरियन फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल सवानाज़ हैं ग्रास हैं डेजर्ट्स हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स हैं जिनकी फॉर्मेशन डिपेंडेंट है लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर और हर एक बायोम की अपनी एक स्पेसिफिक क्या है वेजिटेशन है अपना एक स्पेसिफिक फ्लोरा है फोना है बिकॉज़ जो बायोम्स हैं उनका अपना एक ख़ुद का क्लाइमेट है अलग क्लाइमेट है तो वो क्लाइमेट या वेदर जो है वो डिटरमाइन करता है वहाँ पे पर्टिकुलर फ्लोरा और फोना को नाउ नेक्स्ट जो हायर लेवल है सबसे हायर लेवल जो इकोलॉजिकल हायर का है दैट इज द बायोस्फीयर बायोस्फीयर में पूरा का पूरा अर्थ जो है वो इंक्लूडेड है इसमें लिथोस्फीयर लैंड इंक्लूडेड है ठीक है सो लिथोस्फीयर इज इंक्लूडेड ऑल दी लैंड एटमोसफियर ठीक है एटमोसफियर एयर एंड हाइड्रोस्फियर दैट इज वाटर सो जब हम तीनों चीज़ों को एड कर दें ऑफ दी होल अर्थ दैट बिकम्स द बायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर दिस इज दी हाइएस्ट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल हायरकी तो हमने इकोलॉजिकल हायरार्की को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया इकोलॉजिकल हायर का सबसे छोटा लेवल ऑर्गेनिज्म था ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली हम पॉपुलेशन कहते हैं पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्पीशज़ की है जब हम डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीश को कलेक्ट कर लें दैट कम्स अ कम्युनिटी कम्युनिटी जो है वो आपस में तो इंटरेक्ट करती है बट इट इज ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद दैटिक फैक्टर्स तो जब हम बायोटिक कम्युनिटी के साथ ए बायोटिक फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स दैट बिकम्स एन इकोसिस्टम और अगर हम डिफरेंट ऑल दीको सिस्टम ऑफ दी वर्ल्ड अर्थ उसको कलेक्ट कर दें तो दैट बिकम्स वॉट दैट बिकम्स बायोस्फीयर सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इट स्टार्ट्स द ऑर्गेनिज्म एंड इट एंड्स इन टू दी बायोस्फीयर। सो यू मस्ट नो द लेवल स्टूडेंट्स ये हमें लेवल्स पता होना चाहिए पहला क्या है पहला पॉपुलेशन है सॉरी पहला ऑर्गेनिज्म है दूसरा पॉपुलेशन है तीसरा कम्युनिटी। चौथा इकोसिस्टम पाँचवा हमने लैंडस्केप किया फिर बायोम्स हैं और फिर लास्ट क्या है दैट इज़ दी बायोस्फेयर नाउ स्टूडेंट्स बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी बेस्ड ऑन स्टडी एरिया जो इकोलॉजी है उसके दो पार्ट्स uh, हैं एक है ऑर्ट इकोलॉजी एक होता है सिन इकोलॉजी ऑर्ट इकोलॉजी का मतलब क्या है एक इंडिविजुअल की इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरमेंट उसको स्टडी करना ठीक है दैट इज नोन एज वॉट ऑर्ट इकोलॉजी अगर हम एक सिंगल इंडिविजुअल की इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरमेंट स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ ऑट अगर हम कम्युनिटी की इंटरेक्शन स्टडी करते हैं विद इट्स एन्वायरमेंट ठीक है सो कम्युनिटी में डिफरेंट इंडिविजुअल्स आ गए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज तो जब हम कम्युनिटी की इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं विद इट्स एन्वायरमेंट दैट बिकम्स वॉट सिन इकोलॉजी ओके स्टूडेंट्स सो ऑट इकोलॉजी में हम सिंगल इंडिविजुअल की इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं विद इन एनवायरमेंट इसीलिए हम इसको स्पीशीज इकोलॉजी भी कहते हैं जबकि सिन इकोलॉजी में हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज उनकी इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं विद द इन्वायरमेंट सो इट इज ऑल्सो इट इज ऑफ थ्री टाइप पॉपुलेशन इकोलॉजी है कम्युनिटी इकोलॉजी है एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी है सो यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी नेक्स्ट है टर्म स्टूडेंट्स वेदर एंड क्लाइमेट अब वेदर क्या है स्टूडेंट्स वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ़ दी एटमोसफियर जैसे कि टेम्परेचर कितना है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का ह्यूमिडिटी कितनी है कितनी बारिश हुई कितना एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर है सनशाइन कैसा है क्लाउड कवर हवा कैसे चल रही है एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम टाइम जरूर मेंशन करना है दैट इज़ नोन एज वेदर जैसे हमने करना है वेदर हम मौसम कह देते हैं जनरल कहें पर अगर मैं कहूंगी आज का मौसम तो आज का अगर मैंने मौसम आज की बात करनी है तो वहाँ पे मैं टर्म यूज़ करूंगी स्टूडेंट्स वेदर मैं क्लाइमेट नहीं यूज़ करूँगी आज का क्लाइमेट कैसा है नो no, आज का वेदर कैसा है बिकॉज वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है एटमोसफियर की वेदर जो है वो वेरी करता है आज अगर बारिश हो जाए तो मौसम एकदम ठंडा हो जाएगा सूरज निकल आएगा तो एकदम गर्मी हो जाएगी ठीक है तो वैसे तो हम देखते हैं कि नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं जितनी की जितनी वहाँ पे नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बट कई बारी वेदर जो है वो वेरी भी कर जाता है जैसे अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी किसी पर्टिकुलर दिन अगर सूरज निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है तो वेदर जो है वो चेंज करता है सो वेदर नॉट ओनली वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट द सेम टाइम बट एट द सेम प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑल्सो ठीक है सो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन टू दर्ली डेली एंड वीकली चेंजेस ठीक है तो इसमें ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी जो है एटमॉस्फेयर की उसको हम वेदर कहते हैं और क्लाइमेट क्या है स्टूडेंट्स क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जैसे मैं ये कहती हूँ कि केरला का क्लाइमेट कैसा है अगर मैं केरला कभी नहीं गई हूँ मैं साउथ में कभी नहीं विजिट की हूँ तो मैं उससे पहले पूछती हूँ कि केरला का क्लाइमेट कैसा है मैं वहाँ पे ये टर्म यूज़ नहीं करूँगी कि केरला का वेदर कैसा है बिकॉज वेदर तो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है आज हो सकता है केरल में गर्मी पड़ रही हो कल हो सकता है वहाँ पर थोड़ी सी ठंड पड़े तो अगर मैंने एक जनरल पूछना है कि जनरल मौसम कैसा है केरला का तो वहाँ पे मैं वर्ड यूज करूँगी क्लाइमेट कि केरला का क्लाइमेट कैसा है तो हम यूजुअली देखते हैं कि साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं जितने भी कोस्टल इलाके हैं जितने भी समुंदर के जो नजदीक इलाके हैं वहां पे ना तो सर्दियों में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ही गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है जबकि हमारे जो नॉर्दन जितने भी स्टेट्स हैं ठीक है विच आर नॉट सराउंडेड बाई सी यहाँ पे क्या है यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नॉर्थ का जो क्लाइमेट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी क्लाइमेट ऑफ द सदर्न स्टेट्स तो जब हम एक एवरेज वेदर कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं क्लाइमेट नॉट वेदर टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ऑन दिस अर्थ दैट इज गवर्नड बाई ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्नस फॉर्म बाय द चेंजेस इन टेम्परेचर रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लाइमेट पैटर्न को अफेक्ट करती हैं सो यू मस्ट नो द डिफरेंसेज बिटवीन द टू टर्म्स वट इज़ वेदर एंड वॉट इज़ क्लाइमेट नाउ स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैबिटैट हैबिटैट क्या होता है स्टूडेंट्स हैबिटैट जो है इट इंडिकेट्स अ होम और अ लोकेशन वेयर एन ऑर्गेनिज़्म लिव्स कहाँ पे ऑर्गेनिज्म अक्कर करता है कहाँ रह रहा है स्पेसिफिक प्लेस वेयर अ स्पीशीज नॉर्मली लिव्स दैट इज नोन एज वॉट हैबीटैट हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको फूड मिलना चाहिए इट मस्ट गेट वाटर इट मस्ट गेट शेल्टर एंड इट मस्ट गेट स्पेस फॉर एग्जांपल जैसे रैबिट्स जो हैं उनका जो हैबिटेट है वो ग्रास लैंड्स हैं ओपन वुड हैं फिशेस जो हैं उनका जो हैबिटेट है वो रिवर्स है स्ट्रीम्स हैं शार्क जो है उसका जो हैबिटाइट है वो सी है समुंदर है प्लाज्मोडियम जो है जो मलेरियल पैरासाइट uh, है उसका जो हैबिटेट है वो हमारे आरबीसी हैं और फीमेल एनाफलस मॉस्किटो का स्टमक है तो हैबिटेट हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है डिफरेंट है नाउ स्टूडेंट्स जो हैबिटेट है इट कैन बी वेरी स्मॉल इन साइज ऑल्सो और इट कैन बी वेरी लार्ज इन साइज ऑल्सो जैसे बर्नाकल्स का जो हैबिटेट है दैट इज़ अ टाइनी प्लेस ऑन अ रॉक छोटी सी प्लेस एक रॉक शेल या बोट के ऊपर और इवन ऑन दी सर्फेस ऑफ अ व्हील तो वो उसकी प्लेस है लिविंग की सो दैट इज़ इट्स हैबिटेट कितना छोटा है बट अगर हम पोल बियर्स का देखें स्टूडेंट्स तो पोलर बियर्स का जो हैबिटेट है इट कवर्स दी एनवल सी आइज एंड दे कैन बी फाउंड टू थाउजेंड माइल्स ऑफ शोर इतनी दूर तक वो चले जाते हैं तो इनकी जो प्लेस ऑफ लिविंग है दैट इज वेरी लार्ज इन साइज सो देयर हैबिटेट इज वेरी लार्ज सो द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग दैट इज नोन एज स्टूडेंट्स हैबिटेट अब स्टूडेंट्स जो हैबिटेट है सब सपोज हम कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म पानी में अकर करता है अब हैबिटेट के भी आगे स्टूडेंट्स छोटे छोटे एरियाज में वो डिवाइडेड है हैबिटेट जो है दैट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू माइक्रो हैबिटेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं एक ए है और एक बी है हम कहते हैं दोनों का हैबिटैट सेम है दोनों पानी में करते हैं बट ए जो है उसका हैबिटैट Uh, उसका माइक्रो हैबिटेट डिफरेंट है वो हो सकता है सरफेस पे अक्कर करता है है और बी जो है, वो बॉटम ड्वेलर है वो नीचे की तरफ है बॉटम एरिया में है इन दी पॉन्ट तो देखो दोनों का हैबिटेट तो सेम है बट उनका माइक्रो हैबिटेट देखा जाए तो वो डिफरेंट है एक सरफेस पे अक्कर कर रहा है दूसरा जो है वो बॉटम ड्वेलर है सो माइक्रो हैबिटेट दैट इज वॉट डिफरेंट नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड है कई बार आ जाता है वॉट इज इकोलॉजिकल निश हैबिटेट जो है प्लेस ऑफ लिविंग है निश जो है वो ऑर्गेनिज़्म का रोल है जॉब इन द इको क्या रोल परफॉर्म कर रहा है वो उस पर्टिकुलर इको में हैबिटेट में दैट इज नोन एज वॉट निश तो इसमें क्या आ गया स्टूडेंट्स इकोलॉजिकल निश में आ गया व्हाट इट ईट्स वो किसको खा रहा है उसको आगे कौन खाता है कहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे उसकी एक्टिविटी क्या है Uh, उसकी वो दिन के टाइम एक्टिव है या वो रात के टाइम एक्टिव है ठीक है टाइम ऑफ एक्टिविटी क्या है सीजन ऑफ एक्टिविटी क्या है और उसका दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर क्या अफेक्ट है उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इन दी इकोलॉजिकल निश सो so, इकोलॉजिकल निश जो है दैट इज़ एन ऑर्गेनिजम्स रोल इन दी इकोसिस्टम ठीक है नाउ स्टूडेंट्स Uh, ये प्रिंसिपल uh, है जो हम आगे थोड़ा सा उसको और करेंगे डिस्कस क्या है नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निश कभी भी दो स्पीशीज एक इकोलॉजिकल निश ऑक्यूपाई नहीं कर सकते बिकॉज नो टू स्पीशीज डू द एग्जैक्ट सेम थिंग ओके एंड इफ सपोज दे डू और ट्राई टू अक्कर इन द सेम इकोलॉजिकल निश वैसे तो ये है कि दो species no two species they occupy the same ecological niche agar by chance ek ecological niche may those species occur, karte bhi hai then there will be competition among the two and one will get eliminated and only one will survive this is known as what very important students gauss principle and competitive exclusion principle अब देखो गॉस प्रिंसिपल क्या है ध्यान से सुनो इसकी डेफिनेशन यही है एक सिंपल लाइन में नो टू स्पीशीज हैव सेम इकोलॉजिकल निश कभी भी दो स्पीशीज की एक इकोलॉजिकल निश नहीं हो सकती दिस इज द गॉस प्रिंसिपल अब कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसी का एक्सटेंशन है क्या इफ टू स्पीशीज हैपन टू हैव दी सेम निश इन अ कम्युनिटी अ डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन द टू विल एलिमिनेट वन ऑफ देन और अगर बाय चांस दो स्पीशीज एक इकोलॉजिकल निश को ऑक्युपाई करते भी हैं तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा वन विल बी एलिमिनेटेड एंड ओनली वन विल सर्वाइव सो दिस इज ड्यू टू कंपिटिटिव एक्सक्लूजन की कंपिटिशन हुआ और एक एक्सक्लूड हो गया तो एक ने निश को क्या किया ऑक्यूपाई किया सो अ प्रिंसिपल विथ स्टेट्स दैट Two species with very similar natures cannot survive together because they compete so intensely that one species it eliminates the other. तो so स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा तुम्हें बताती हूँ गॉस प्रिंसिपल ये कहता है दैट नो टू स्पीशीज हैव सेम इकोलॉजिकल निश कभी भी दो स्पीशीज की एक इकोलॉजिकल निश नहीं हो सकती कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर बाय चांस दो स्पीशीज की एक इकोलॉजिकल निश हो भी जाती है देन देयर विल बी अ सीवियर कंपटीशन बिटवीन द टू स्पीशीज एंड इन दिस कंपटीशन ओनली वन विल सरवाइव एंड द अदर विल गेट एलिमिनेटेड सो ऑटोमेटिकली हुआ क्या कि एक निश में एक ही स्पीशीज क्या करेगा सर्वाइव uh, करेगा या एक निश को एक ही स्पीशीज जो है उसमें ऑक्यूपाई का सो दिस इज गॉस प्रिंसिपल और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाउ स्टूडेंट्स डिफरेंसेस बिटवीन हैबिटेट और निश बहुत इंपॉर्टेंट ई पी ऑडम जो है स्टूडेंट एक बहुत ही फेमस जो है इकोलॉजिस्ट रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक सिंपल वर्ड्स में हैबिटेट और इकोलॉजिकल निश को डिफाइन किया है कैसे उन्होंने कहा है कि जो हैबिटैट है दैट इज दर्गेनिज्म कहाँ पे वो अक्कर करता है कहाँ पे रह रहा है उसका एड्रेस है जबकि इकोलॉजिकल निश उसका प्रोफेशन है उसका प्रोफेशन क्या है ठीक है कितनी उसकी पे है वो अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा है उसने किसी से कर्जा लिया या नहीं लिया किसी को पैसे दिए तो ये सभी चीज़ क्या आ गया उसके प्रोफेशन में आ गया तो प्लेस ऑफ लिविंग जो है वो हैबिटेट है उसका फंक्शनल रोल उस पर्टिकुलर इको में उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में दैट इज द इकोलॉजिकल निश स्टूडेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेगा वाटर बग्स है एक है बेलास्टोमा और दूसरा है कोरिक्सा दोनों ही शेलो वाटर्स में अकर करते हैं एट द एज ऑफ दी पॉन्ट ठीक है तो शेलो वाटर्स मतलब जो गहरा पानी नहीं होता जो एज जो होता है पॉन्ट का जो किनारा है सपोज ये एज है पॉन्ट का सो ये शेलो है यहाँ पे पानी ज्यादा गहरा नहीं होता तो ये दोनों जो बेलास्टोमा है और कुरेक्सा है दोनों का हैबिटेट सेम है बट दोनों की इकोलॉजिकल निश या फंक्शनल रोल जो है इन दिनवायरमेंट दैट इज डिफरेंट कैसे बेलास्टोमा जो है वो एक प्रिडिक्टर है वो फीड कर रहा है इंसेक्ट्स पे, टैडपोल पे स्मॉल फिशेस पे। और जो कुरिक्सा है स्टूडेंट्स वो एक स्केवेंजर है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है तो दोनों की देखो फंक्शनल रोल जो है एनवायरमेंट में वो डिफरेंट है दोनों का हैबिटेट सेम है दोनों ही पानी में अक्कर कर रहे हैं बट दोनों का जो इकोलॉजिकल निश है दैट इज डिफरेंट क्यों क्योंकि एक जो है वो प्रिडेटर है एक मार के खा रहा है और दूसरा स्केवेंजर है दूसरा मरे हुए चीजों पर फीड करता है ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज़ दी डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निश आई होप स्टूडेंट्स द टॉपिक इज़ वेरी वेल क्लियर टू यू तो आज हमने अपना जो ये चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो स्टडी किए हैं पहला टॉपिक हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है दैट इज़ हैबिटेट एंड निश यू मस्ट नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट व्हाट इज़ निश दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं इसमें तुम इस एग्जाम्पल भी देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो हमने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स वाटर बग्स का बेलास्टोमा और कोरिक्जा का दोनों का हमने देखा हैबिटेट सेम है बट निश डिफरेंट है उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल स्टडी किया गॉस प्रिंसिपल एंड कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टूडेंट्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू टॉपिक नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे द वेरियस ए फैक्टर्स ऑफ द एन्वायरमेंट टिल देन स्टूडेंट्स थैंक यू